Hello class, good morning. How are you all? I hope all are fine. So please check out your English reader book and open page number 16. Today we will read about next chapter. So your chapter name is Teacher's Prayer. Okay, now read the poem about a teacher who prays to God to enable her to perform her duties sincerely and properly. सो यहाँ पर क्या है कि एक टीचर है जो गॉड से प्रे कर रहा है कि वो अपनी ड्यूटीज़ को सिंसियरली और प्रॉपरली परफॉर्म कर सके, बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सके. ठीक है, तो गॉड टीचर को इतनी स्ट्रेंथ दें. सो लेट्स सी व्हाट इज इन दिस पोएम. ओके, सो व्हाट इज हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम इज जेम्स जे मेलकल्फ. Okay, so now teacher's prayer. I want to teach my students how to live this life on earth, to face its struggle and its strife and improve their worth. So what is the meaning of strife? Strife means होता है conflict. कभी कभी अनबन हो जाती है या कभी कभी हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए. ठीक, और वर्थ मतलब होता है कि आपकी क्या वैल्यू है. ठीक है, आपका जो भी संघर्ष है या आपकी क्या वैल्यू है. तो आई वॉन्ट टू टीच माई स्टूडेंट्स, एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाना चाहता है, हाउ टू लिव दिस लाइफ ऑन अर्थ, कि हमें अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए, हमें इस अर्थ पर, इस पृथ्वी पर अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए, टू फेस इट स्ट्रगल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इम्प्रूव देयर वर्थ. वो क्या टीचर अपने स्टूडेंट को क्या सिखाना चाहता है कि जो भी उनके स्टूडेंट्स के जीवन में स्ट्रगल है, संघर्ष है, जो भी स्ट्राइफ है, मतलब जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनकी लाइफ में, और उनकी जो भी वैल्यू है उनके जीवन की, उसको उन्हें इम्प्रूव करना चाहिए डे बाई डे. ओके, नॉट जस्ट अ लेसन इन अ बुक और हाउ द रिवर्स फ्लो. टीचर एट द एंड अपने स्टूडेंट्स को और क्या सिखाना चाहते हैं, वो सिर्फ एक बुक का चैप्टर ही नहीं पढ़ाना चाहते हैं. ठीक है, जैसे कि सपोज एक चैप्टर पढ़ा दिया, बस फिनिश. सिर्फ टीचर वो नहीं करना चाहता, लेकिन टीचर क्या करना चाहता है, हाउ द रिवर्स फ्लो, नदियाँ कैसे बहती हैं, बट हाउ टू चूज द प्रॉपर पाथ वेन एवर दे मे गो. जैसे नदियाँ बहते हुए अपना रास्ता बनाती हैं ना, एक वो भी अपना करेक्ट पाथ चूज करती हैं, तो ऐसे ही टीचर अपने स्टूडेंट को ये सिखाना चाहता है कि उनको अपने जीवन में कैसे एक चूज द प्रॉपर पाथ, उनको कैसे एक सही पाथ, सही रास्ता चूज करना चाहिए, वेर एवर दे मे गो, वे जहाँ पे भी जाना चाहते हैं. वो उनकी पर्सनल लाइफ भी हो सकती है और उनकी स्टूडेंट लाइफ भी हो सकती है. ठीक है, सो टू अंडरस्टैंड इंटरनल ट्रूथ एंड नो द राइट फ्रॉम रॉन्ग. नाउ यू कैन सी हियर, टीचर और अपने स्टूडेंट को क्या सिखाना चाहते हैं, इंटरनल ट्रूथ, मतलब जो सत्य है, जो शाश्वत सत्य बोलते हैं वैसे तो इसको, इंटरनल ट्रूथ मतलब होता है जिस सत्य को आप कभी नकार नहीं सकते हैं, जो सत्य कभी बदलता नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ सुना है ना, उसी को बोलते हैं. एंड टू नो द राइट फ्रॉम रॉन्ग, और सही से गलत क्या है, गलत से सही क्या है, ये एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहते हैं. एंड गैदर ऑल द ब्यूटी ऑफ अ फ्लावर एंड अ सॉन्ग, और क्या बताना चाहते हैं कि वो हर एक चीज़ को गैदर करना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं, किसकी ब्यूटी को, फ्लावर्स की सारी ब्यूटी को और सॉन्ग्स की ब्यूटी को. ठीक है, जिससे कि वो बता सकें कि एक सॉन्ग से, फ्लावर से भी, इन ब्यूटी से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं. For if I help the world to grow in wisdom and in grace, then I shall feel that I have won and I have filled my place. और एक टीचर क्या, एक टीचर की विश क्या है, एक टीचर की विश है कि वो पूरे वर्ल्ड को, फॉर इफ़ आई हेल्प द वर्ल्ड टू ग्रो, अगर एक टीचर पूरे वर्ल्ड को, पूरे विश्व को, पूरे संसार को ग्रो कर सके, किस में, उनके विस्डम में, उनकी लर्निंग में,
जो भी संसार जिस भी चीज़ की लर्निंग कर रहा है उसमें अगर वो ग्रो कर सके, और जो उनका ग्रेस है, जो उनकी इमेज है, जो उनका संघर्ष है उसमें अगर वो ग्रो कर सके, तो वो उसमें उनको ग्रो करना चाहते हैं, देन आई शैल फील दैट आई हैव वॉन। अगर वो ये कर लेते हैं, संसार को ग्रो करने में उनकी हेल्प कर लेते हैं, तो वो क्या फील करते हैं कि उन्होंने जो वो करना चाहते थे वो उन्होंने कर लिया और मैच जीत लिया है, और एंड आई हैव फिल्ड माई प्लेस, और जो मेरा प्लेस है मैंने उस प्लेस को जिस तरह से, जिस सच्ची लगन से करना चाहिए था वो चीज़ें उन्होंने कर ली है। एंड सो आई आस्क फॉर गाइडेंस गॉड दैट आई मे डू माई पार्ट फॉर कैरेक्टर एंड कॉन्फिडेंस एंड हैप्पीनेस ऑफ हार्ट। उसके बाद एक टीचर गॉड से क्या प्रे करते हैं, वो ये प्रे करते हैं कि गॉड उनको गाइडेंस करें, गॉड उनको गाइडेंस करें कि दैट आई मे डू माई पार्ट, कि वो जो भी उनका पार्ट है, ठीक है, जो भी उनके वॉकिंग का पार्ट है वो उनको बहुत अच्छे से पूरा कर सकें, उसमें गॉड हमेशा उनको गाइडेंस कर सकें कि कैसे कैसे करना, जो भी उनके प्रॉब्लम आती हैं जो भी उनके रास्ते में, उससे भी उनको लड़ने की शक्ति दे सकें। फॉर कैरेक्टर एंड कॉन्फिडेंस एंड हैप्पीनेस ऑफ हार्ट, और स्टूडेंट्स का कैरेक्टर, कॉन्फिडेंस और उनका जो हैप्पीनेस होता है वो उनके हार्ट को हैप्पीनेस से फुल कर सकें। सो ये होती है एक टीचर की विश, ठीक है। आई होप जो भी आपके आइडियल टीचर रहे होंगे आप उनमें ये सारी चीज़ें देखते होंगे, ठीक है, तो शायद आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आएगी अगर आपका कोई भी टीचर आपके आइडियल टीचर हैं तो, ठीक है, क्योंकि टीचर एक सिर्फ टीचर ही नहीं होता है, वो आपका सबसे बेस्ट गाइडेंस भी होता है। आप उससे कुछ भी पूछेंगे ना, वो कभी भी आपको गलत गाइड कर ही नहीं सकते। अंडरस्टूड? सो या योर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड, एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, बिकॉज इट इज़ इक्वली बेनिफिट टू यू। Okay, so bye bye class. Thank you.